अच्छे होंगे। तो चलिए सबसे पहले आज मैं आपको रिपब्लिक डे विश करती हूँ। हियर्स विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। और आप सबका दिन बहुत ही अच्छा हो और आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस चैनल पर। और सुबह से मैं आज फूल खाली हूँ तो किचन में है और मॉर्निंग रिचुअल चाय एंड वॉर्म वाटर। तो पानी अभी पूरा गर्म नहीं हुआ है बट चाय होने लगे और भाग दिया मैंने सब कुछ। स्कूल जाना है तो फटाफट रेडी होते हैं एंड उसके पहले नाश्ता। सो नाश्ता के लिए तैयारी करती है, काटता है प्लांट टू मेक खोमा। आइए खोमा दिखाते हैं। यस, थोड़ा कैरेट लिया है, प्याज हमारा हो गया, मटर ओके, नीम पत्ती एंड देन कम्स मिर्ची एंड धनिया पत्ती। इसको काट लेते हैं रेडी एंड फटाफट खोमा बनाते हैं। ओके, सो मीट यू अगेन। देखिए पोहा कितना कलरफुल लग रहा है। छौंक दिया मैंने तेल, सरसों, हरी मिर्च, मीठी नीम पत्ती, थोड़ा कड़क गया एंड आफ्टर दैट प्याज, देन मटर एंड कैरेट्स। ओके, मूंगफली ज़रूर मैं पहले भूल गई थी आपको दिखाना, मूंगफली डाल दिया मैंने। ओके, देन सी मूंगफली, यस थोड़ा बहुत दिखा सकती हूँ, बाकी सारा मिक्स हो गया है। और अब हम इसको थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाने देते हैं। ओके, थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, चुनाव नमक जितना भी कुछ चाहिए स्वाद अनुसार। ओके, नमक हो गया है और मैं एक्चुअली पोहे में बहुत सारा मसाला ऐड नहीं करती सुबह सुबह खाए तो। सो आई जस्ट ऐड हल्दी, ओके, थोड़ा कलर आ जाए, थोड़ा सा टेस्टी लगे एंड आफ्टर दैट थोड़ी सी लाल पाउडर। इट कम्स टू पोहा, पोहा मैंने भी भिगो के रख दिया है। ओके, थोड़ा ये भून जाए, थोड़ा सा पक जाएगा, देन आई ऐड पोहा एंड हरी धनिया, वो भी काट के रखा है। एंड अभी जो मैंने भिगो के रखा हुआ था पोहा उसको डाल देते हैं इसमें। हल्दी डाल के भी बोलते हैं या नमक डाल के, वो मैंने पहले ही डाल दिया है। एंड नाउ ऐड लिटिल शुगर, ये एक टिप है, थोड़ा सा पोहा मीठा अच्छा लगता है तो थोड़ा शक्कर। ओके, एंड आफ्टर दैट न्यूट्रिशियस पोहा। नॉर्मली मैं बहुत सारी सब्जियों में डाल के बना देती हूँ, फूल गोभी एंड आलू एंड वॉट एवर जो भी मिला, जो सब्जी है फ्रिज में, बट आज मैंने केवल ओनियन, कैरेट एंड मटर डाले हैं। ओके, सो ये मिक्स हो गया है थोड़ा देर, 2 मिनट एंड आफ्टर दैट गार्निशिंग में हो गया।
थैंक यू, आज का दिन बहुत लंबा होने वाला है, अब मैं रेडी होंगी स्कूल के लिए, फिर आपसे मिलती हूँ। ओके थैंक यू। January indeed very special था और just हमारे घर के पास अमले में there is a mall, yes Surya mall, and special days जैसे 26 January, 15th August, होली, दिवाली, तो काफ़ी rebate रहता है। तो आज हम लोग भी वहाँ गए और especially dry fruits and all काफ़ी discount rate पे मिल जाता है वहाँ। सो काफ़ी भीड़ थी वहाँ एंड फाइनली वी वर देयर। सो दिस इज़ अ क्लिप फ्रॉम द शॉप रिकॉर्डिंग। दिस इज़ अ सेलिब्रेशन, वी आर सेलिब्रेटिंग, दैट इज़ मोर देन इनफ। हेलो फ्रेंड्स, सो दीज आर द पिक्चर्स जो हम फ्लैग होस्टिंग के बाद एक कैफेटेरिया में कुछ फ्रेंड्स और सेलिब्रेट किया। सो वी हैड कॉफी आउट, सो दीज आर द क्लिप्स। रिपब्लिक डे तो स्पेशल है और सेलिब्रेशन भी दोस्तों के साथ बनता है। हेलो फ्रेंड्स, ये शाम का समय है, तो आज का दिन सच में बहुत ही अच्छा था, तो रात भी बहुत खूबसूरत होने वाला था। एंड वी प्लान्ड फॉर अ डिनर आउट, फैमिली डिनर, और ये है, दिस इज़ अ क्लिप फ्रॉम दैट। ओके, सो द होल ऑफ द डे, इट मीन्स एट आई कैन से कि 72nd रिपब्लिक डे बहुत ही अच्छा रहा, और ईश्वर से बस यही कामना है और प्रार्थना है कि सारा साल 2021 बहुत ही अच्छा हो हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा हो और बहुत ही खुशियाँ लाए, और जो अपने इच्छाएं जो पूर्ति नहीं हुई है किसी की, सबकी पूर्ति हो जाए और सब खुश रहें। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, प्यार बांटिए और हर छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशी ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा नहीं होना है जो खुशी मिलेगी, इन्हीं चीज़ों में खुशी मिलेगी। सो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।